जैसे कि अभी तक आपको वर्ड बताए गए थे, वो वर्ड बताए किन के लिए गए थे, 100 से लेके 160 स्पीड वालों के लिए। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो 100 से 160 आपको तभी आके आपको ये वर्ड सीखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। पिछली बार आपको बताया था बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम देने के लिए, देने के लिए, ठीक है ना। देने के लिए आने पर हम क्या करेंगे, सिर्फ दा और ला का प्रयोग करना है, और कुछ नहीं करना। जैसे हम पहले बनाते थे उस तरह से नहीं बनाना, ठीक है। जैसे लिखते हैं पहला वर्ड काम देने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, काम लिखेंगे पूरा। अब क्या कहें, देने के लिए, तो हम इसके आगे से दा और ला बना देंगे। बस सिर्फ हमें इतना करना है, जैसे देने के लिए पढ़ने में आएगा। अब आता है ऐसे पुस्तक देने के लिए, पुस्तक देने के लिए। तो अब पहले तो हम पुस्तक बनाएंगे, पुस्तक बनाया हमने, ठीक है। अब आगे देने के लिए, तो हम इसके क्या करेंगे, जैसे लाइन काट के बनाए तो लाइन काट कर ही हम देने के लिए बनाएंगे, ठीक है ना। उसके आगे से बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके नीचे से बना रहे हैं या उसके ऊपर से बना रहे हैं, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। फिर इसमें एक बार आता है स्वीकृति देने के लिए, ठीक है। अब इसमें पहले तो हम स्वीकृति बनाएंगे, स्वीकृति, जिनका रोल अच्छे खासे हो चुके हैं उनको समझ में आ रहा होगा स्वीकृति कैसे बना हुआ है। देने के लिए आने पर हम वही देने के लिए, सिंपल। इसमें क्या, वर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सिर्फ पहचानने के लिए आपको तीन वर्ड बता दिए जा रहे हैं, जिससे आप आगे कर सके, इनको कॉपी जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद दूसरे टॉपिक पर आते हैं, इसमें जैसे देखते हैं के रूप में, के रूप में बनाना क्या है, सिर्फ रा और छोटा सा मा, ठीक है ना। वैसे अगर हम बना रहे थे तो क्या बना रहे थे, के फिर रूप फिर में, काफी बड़ा हो रहा था, है ना, और रफ्तार भी कम पड़ रही थी। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अकेला में इतना बनाना है, इसको नहीं बनाना है। जैसे कि हम लिखते हैं उत्सव के रूप में, उत्सव के रूप में। अब आप देखेंगे कि पहले में क्या बनाना है, उत्सव, उत्सव बनाया, मात्रा चलती थी, मात्रा आप लगा रहे कि नहीं लगा रहे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे वो आपके ऊपर रहता है। फिर के रूप में आया तो हम क्या करेंगे, के रूप में आगे से बना देंगे। इसको आप कुछ पढ़ नहीं सकते, आप सिर्फ के रूप में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि दूसरा लिखते हैं वस्तु के रूप में, ठीक है, वस्तु के रूप में लिखते हैं हम, पहले वस्तु, अब के रूप में आने पर क्या करना है, हमें आगे से इस तरह से बना देना है, ठीक है ना। पहले थे तीसरा पॉइंट इसी में, सहायता के रूप में, सहायता के रूप में। अब आप देख रहे होंगे कि सहायता का सबचिन्ह आप लोगों के पास, तो आपने सहायता का सबचिन्ह बना दिया। ये ऋषि प्रणाली वालों के लिए है, ऋषि प्रणाली वालों के समझ में आ जाएगा कि सहायता का सबचिन्ह है कि नहीं। जो अदर प्रणाली है, दत्त प्रणाली है, सौ पद्धति है, या और भी बहुत सारी प्रणाली है, तो उनमें आपको ये सहायता का सबचिन्ह नहीं मिलेगा। वो आप अपने जो आप बनाते हैं वही बनाना है। के रूप में आने पर आपका सहायता के रूप में बन चुका है।